मंत्री जी कहिए, क्या युद्ध भूमि से कोई गुप्तचर कोई समाचार लेकर आया है? तो कोई सूचना नहीं आई महाराज, बाकी गुप्तचर आते ही होंगे। ठीक है, जैसे ही कोई गुप्तचर आता है उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। जो आ गया महाराज। जय शंकर की। प्राइवेट जी सरकार, कहो क्या समाचार लेकर आए हो? सरकार, बड़ा दुख का समाचार है। ऐसा क्या दुख का समाचार है? सरकार, बहुत ही दुख का समाचार है। अरे मूर्ख, हमेशा दुख का ही समाचार होता है तुम्हारे पास, या कभी कोई सुख का समाचार भी होता है? सरकार, बहुत बुरा हो गया। अरे ऐसा क्या बुरा हो गया? पति सत्यानाश हो गया। किसका? शत्रु का सत्यानाश हो गया? नहीं सरकार, तेरा सत्यानाश हो गया। प्राइवेट कहो क्या कहना चाहते हो? सरकार, रामादल में लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई है। क्या कहा? मूर्छा टूट गई? यह कैसे संभव हो सकता है? यही तो संभव हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसको मेरे पुत्र स्वयं इंद्रजीत मारे, भला वो कैसे जीवित हो सकता है? मेरे पुत्र जी है, मेरे आंडे हैं, वो तो जी गया। प्राइवेट, खैर कोई बात नहीं, हम अपने आनंद में किस प्रकार का खलल नहीं महसूस करते। दरबार की रौनक बढ़ाई जाए और तुरंत दरबार में राज मृतकी को पेश किया जाए। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की नृत्यकी। दादरी गई थी, दादरी के छोरे रखने गई थी उड़ती। आए लोग छो में क्यों लाग रहा से? और अरे मारा नाश हो लिया। सारे बाले भूखे बैठे, टिकड़ पोयला टिकड़ पोयला गणाना बोले तेरा घर बसा रखा मने। हाँ, तेरे बालक दाम दिया, तेरा नाम चला दिया। अरे तो फिर उन टिकड़ कौन खवावगा? रेण के हर गणाना बोला गया छो मावगा ना। अरे बदलू के गिले की तुगा रे सालूंगी तेरे गिले। ना ना रे भाई, सामन माजिए भाई, कोथड़ी लेकर आजिए भाई मेरे। प्राइवेट जी सरकार, वाह
जी, मुझे फिर आज्ञा दीजिए। आपकी बार तो बच गया था, इस बार नहीं बच पाएगा। लेकिन मुझे इस विषय में विचार करना होगा। मेरे विचार में तुम्हारा इस समय युद्ध भूमि में जाना उचित नहीं है। क्यों पिताश्री, मेरा युद्ध में जाना किस लिए उचित नहीं है? क्योंकि हर युद्ध को केवल बल से नहीं बल्कि नीति से भी जीता जाता है। युद्ध के अंदर नीति ही सब कुछ होती है, अन्यथा सब बेकार होता है। ठीक है पिताजी, मेरे विचार से अब समय आ गया है कि भ्राता कुंभकर्ण को नींद से उठाया जाए। प्राइवेट जी सरकार, तुम शीघ्र भ्राता कुंभकर्ण के कक्ष में ढोल नगाड़े लेकर के जाओ और भ्राता कुंभकर्ण को गहरी नींद से उठाओ। भ्राता कुंभकर्ण नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठाए? ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, इसी भी तरीके से उनको उठाओ। सरकार अगर फिर भी नहीं उठा तो उनके नाकों के अंदर गर्म सलाखे डाल दी जाए, लेकिन नींद से उठाया जाए। ठीक है सरकार, हमारा आदेश है, उन्हें कहा जाए कि तुम्हें तुम्हारे भाई लंकापति ने शीघ्र याद किया है। ठीक है सरकार। सरकार छोड़ना है बस।
भाई कहता मैं ओ गिला मेरे ससरे के तो उसने ठा ले जा पूरा पार्टी पे ले दीजिए आउरा बाउबल्ला जी जब तेरा जी हो रहा था ले गए ना अपने दुख बने खंड बोले भाई
अवश्य भैया पर कोई संकट आया है जी सरकार चलिए सरकार पुत्र इंद्रजीत पिताजी क्या गुप्तरों से पता लगा कि भ्राता कुंभकर्ण नींद से उठे या नहीं? हाँ पिताश्री, हमें सूचना मिली है कि चाचा कुंभकर्ण नींद से जाग चुके हैं। तो फिर दरबार में आने में इतना विलंब कैसे? बस महलों से सीधे दरबार में ही आ रहे हैं। अरे यार कौन सा है? महाराज शंकर की जय। शंकर के जय। शंकर के जय। शंकर के भ्राता आसन ग्रहण कीजिए। कहो भ्राता जी, आपने मेरे को कैसे याद किया? हे भ्राता, वो तो सब मालूम हो जाएगा। पहले थोड़ा चित्त प्रसन्न कर लिया जाए, बाद में आपको सब बता दिया जाएगा। ठीक है भ्राता जी। प्राइवेट जी सरकार, राज दरबार में तुरंत नृत्यांगना को पेश किया जाए। ठीक है सरकार।